नंबरदार चौकीदार जो आप देख रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि हमारे जो मौजूदा सरकार है ये हमारे नंबरदारों चौकीदारों के साथ जुल्म कर रहा है। जुल्म इसलिए कर रहा है, हम काम करते हैं पिछले कई दहाइयों से, आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि बिला वजह उन्होंने बीच में 2017 में एक बनाया एक एसआरओ, मगर वो एसआरओ हमने वो जो एसआरओ था वो उसमें हमने स्टे करके रखा था। वो हाईकोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है, उसका नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 3 मार्च 2023 का। हाईकोर्ट ने कल ही इनको सरकार को एक नोटिस जारी की थी भाई आपको लेटर इम्प्लीमेंट करो, मगर बदकिस्मती की बात वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सारे डीसी साहिबान को हुक्म दिया, डीसी साहिबान ने तहसीलदार साहिबान को हुक्म दिया आप गांव में नोट से लगाओ, और तीन तीन उसमें भी वो मुतजाद बयान है, कभी किसी लोग को बोलते हैं 3 लोगों नाम दो, और कहीं पर बिल्कुल नोट से लगा रहे हैं कि हमें आज से 9 नंबरदार तैनात करनी है, जो कहीं पर जो बिल्कुल नंबरदारी रूल और जम्मू कश्मीर लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, कहीं उसका तज़किरा नहीं है। हम उस लॉ जो लालयश कर रहे हैं, जो कानून की ये दजियां उड़ा रहे हैं, हम उसके खिलाफ आज यहाँ है। सरकार से मुजिबाना गुजारिश करते हैं, आप ही लॉ मेकर हैं तो आप खुद कानून की दजिया लगा उड़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर कानून नाम का कोई चीज नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है? हमारी गुजारिश है सरकार से, बड़ी मेहरबानी अपने कानून से कानून जी को खत्म मत कीजिए। अगर आप इतने बड़े मुल्क में हम रहते हैं, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, जमहूरियत मुल्क है, इसमें कानून है, तो हाँ कानून नहीं मानते हैं, क्योंकि हम डीसी साहिबान के पास जाते हैं तहसीलदार वो बोलते हैं कि कोई हम कानून की आबियारी नहीं कर, वो कानून नहीं मानते हैं। अगर वो कानून मानते हैं तो फिर लोगों से इंटरव्यू नहीं लेते, वो नोटे नहीं लगाते। लिहाजा हमारी गुजारिश है सरकार को ये सिस्टम बंद करना चाहे, आज ही उनको आदेश जाना चाहे कि ये मत करो गैर जरूरी एकदम, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग है। और कहीं कहीं पर हमने ये भी सुना है कि नंबरदारों से बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग नंबरदार उनको बोलते हैं आप इस्तीफा दो, क्यों हम इस्तीफा देंगे? हम इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने रास्ता हमवार बनाने के लिए कहीं कहीं पर हमारे नंबरदारों पर दबाव डाल रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से नंबरदारों तक भी ये बात पहुंचाना चाहे, कोई नंबरदार हमारा फिलहाल इस्तीफा नहीं दे जब तक नहीं कोई जो हमारा मसला हल हो जाए। अगर इनको नए लोग ही लगाने थे, अगर सरकार को नए लोग लगाने हैं, मगर उसके भी जाबते हैं, कायदा कानून है, मगर जिस तरीके से लगा रहे ये सरासर नाइंसाफी और जुल्म है।